तुम क्रिकेट वाले के टॉक शॉट सेगमेंट के स्पेशल एपिसोड में सामाबीर ने ज्वाइन किया है। शालकोट से लेग स्पिनर जो पाकिस्तान के लिए इमर्जिंग एशिया कप में भी खेल चुके हैं। सबसे पहले तो सामा भाई थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और टाइम निकाला। सामा हाँ, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया मुझे। भाई जैसे कि मुझे पता है भी आप इस वक्त ऑफ सीजन खेल रहे हैं इंग्लैंड में, तो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, आप कैसा फील कर रहे हैं अपनी बॉलिंग के बारे में, अपनी फिटनेस के बारे में। हाँ बिल्कुल, काफ़ी मेहनत करके आया हूँ। लाइक PSL में इस दफ़ा सेलेक्ट नहीं हुआ, तो उसकी जो कमियाँ थी वो उसको पूरा करने के लिए काफ़ी काफ़ी हार्ड वर्क किया। और सो फार सीज़न तो ये बहुत अच्छा जा रहा है मेरा। यूके में अभी तक साउथ यॉर्कशायर प्रीमियर लीग का मैं हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ। 12 मैचेस में मेरे 41 विकेट्स हैं, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। और वैसे भी लोकल टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा खेल रहा हूँ, T20s, ये वो, जिसमें साथ KPL की प्रैक्टिस हो जाए और साथ साथ फिटनेस में भी काम कर रहा हूँ। जैसे साहब भाई आपने बताया KPL में भी ऑब्वियसली आप खेलेंगे, उसके अलावा T20 क्रिकेट में आजकल बैटिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी बैटिंग हिटिंग एबिलिटी जो है वो है, मतलब कुछ हद तक आपने दिखाया हुआ भी है बहुत तेजिस पे कि आप कर सकते हैं हिटिंग, तो आप कितना बैटिंग को भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट ऑलराउंडर अगर बंदा या बॉलिंग ऑलराउंडर बंदा बन जाए तो वैल्यू ज्यादा हो जाती है T20 क्रिकेट में। जी बिल्कुल, शुरू से ही मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं एक ऑलराउंडर बनूं। अंडर 19 क्रिकेट से ही मैंने काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बैटिंग में काफ़ी रन वगैरह किए हैं, लेकिन इस इतना हाथर हुआ चांसेस नहीं मिले T20 क्रिकेट में जो कि मैं प्रूव कर सकूं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मैं बहुत कम खेला हूं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लेकिन उसमें भी जब तक इतनी बैटिंग आई या लेकिन अच्छी एवरेज के साथ खेला हूँ मैं। अभी यहाँ यूके में लीग क्रिकेट में मेरे अभी तक हाईएस्ट सिक्सेस हैं इस पूरे लीग में, और उसके बाद जो लोकल टूर्नामेंट्स में खेले हैं उसमें मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, और बहुत बहुत से प्रोस प्लेयर्स के अगेंस्ट मैंने काफ़ी रन किए हैं। लाइक 100 भी किए हैं, 50 भी किए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाई है। इंशाल्लाह ताला KPL में सबको नजर आएगा कि एक ऑलराउंडर मैं आया हूँ। जी, चलो सामा भाई, एक जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बारे में पूछा जाता है वो ये कि जब आप इनिशियली आपको अटेंशन मिली थी, जब आप शालकोट शैगेंस के लिए सिर्फ मलिक भाई के अंदर खेल रहे थे, एक टॉल लेग स्पिनर है जिसको बाउंस मिल रहा है और लोगों को लग रहा था आप फास्ट ट्रैक हो जाएंगे टीम, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली इंजरीज, आपकी मेजर इंजरीज हुई, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि आप अब कैसे फील करते हैं, आप अपनी क्रिकेट को कहाँ देखते हैं। बिल्कुल, तब इंजरी की वजह से थोड़ा सा वो तना बैकस्टप हुआ, लेकिन ये है कि मेहनत काफ़ी किया। शुरू से नेचर में मेरी ऐसी है कि मैं गिव अप नहीं करता है बिल्कुल भी। तो अभी के मेरा PSL में नाम नहीं आया, लेकिन मुझे पता है जो जिस तरीके से मैंने इंजरी के बाद 2-3 साल क्रिकेट खेली है वो मेरे लिए बहुत टफ था। ऑब्वियसली मेरी परफॉर्मेंसेस में बहुत बहुत फ़र्क पड़ा, जो कि मैं इंजरी से पहले मेरी T20 वाइट बॉल में मेरी परफॉर्मेंसेस थी तो बहुत कम, एक तो चांसेस भी कम मिले, काफ़ी मैचेस में बेंच में रहा। उसके बाद कि इस तरीके के चांस नहीं मिले जिससे मैं अपना आप प्रूव कर सकूं। अगर मिले अभी या कोई 10-15 मैचेस बाद जाके मैच मिला, और अगर उसमें भी लाइक इतनी अच्छी अगर बॉलिंग नहीं हुई या मुझे थोड़े रन्स हो गए हैं, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि बस कि शायद ये फिनिश हो गया है। खैर ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और अब ये है कि इंशाल्लाह ताला जैसे आप KPL में देखेंगे आपको एक डिफरेंट लेग स्पिनर नज़र आएगा, एक डिफरेंट एक क्रिकेटर नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला KPL में, जो जो मैंने अपनी बॉलिंग पर काम किया। सो मुझे अपने आप पर इतना बिलीव है कि मैं जब KPL पे इंशाल्लाह बॉलिंग करूंगा तो सब पता लगेगा कि वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा इंशाल्लाह। भाई T20 क्रिकेट तो अपनी जगह, लास्ट सीजन आपने ऑब्वियसली रेड बॉल भी खेला बलोचिस्तान के लिए, सेकंड 11 में भी खेले और फर्स्ट 11 में भी गेम मिला, तो रेड बॉल को आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और उससे आप कितना लर्न करते हैं। बिल्कुल, बेसिकली अगर आपने एक अच्छा क्रिकेटर बनना है ना, तो आपको रेड बॉल खेलनी होगी। रेड बॉल से ही आपको लाइक एक तो टेम्परामेंट आएगा आपकी अप्रोच में और आपके खेल में, और दूसरा ये है कि रेड बॉल बहुत टफ क्रिकेट है, टफर देन T20 और ODI, तो इसलिए आपको रेड बॉल में ज़्यादा से ज़्यादा महारत लानी पड़ती है। सो ये जो मेरी आजकल बॉलिंग मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरी ये इंप्रूव हुई है, तो मैं जो ये लीग क्रिकेट है इसको मैं इतना सीरियस नहीं था लेता है, क्योंकि
ऑब्वियसली एक है, एक अच्छा स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। यहाँ से इंडियन प्रो आए हुए हैं, साउथ अफ्रीकन प्रो आए हुए हैं, काफ़ी फर्स्ट क्लास प्लेयर्स और इंडिया ए खेले हुए प्लेयर्स आए हुए हैं, उनको बॉलिंग कर रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ से टेम्परामेंट सीखा मैंने कि यार एक जगह मैंने कैसे बॉल करना है, फिर वहाँ से मुझे बैट्समैन के अगेंस्ट बॉलिंग करने का, लाइक अच्छे जो अच्छा बैट्समैन है उसके अगेंस्ट कैसे बॉलिंग करनी है, उसका वीक जोन, उसका स्ट्रॉन्ग जोन, कोऑर्डिनेट ऑफ फील्ड किस तरीके से मुझे बॉल करनी है, और वेरिएशन के साथ अगर पिच अच्छा आ गया, स्पिन नहीं हो रहा तो किस तरीके से वेरिएशन करके फंसाना, तो ये सारी चीज़ें फिर T20 क्रिकेट में अप्लाई करता हूँ और वो उसमें मुझे बहुत हेल्प हेल्प मिलती है। जी सामा भाई, जैसे आपने खुद पिछले सवाल के जवाब में बोला था कि लोग कहते हैं कि शायद आप फिनिश हो गए, लेकिन मेरे ख्याल में देखें अगर एज के हिसाब से देखा जाए 25 ईयर्स कोई लेग स्पिनर या क्रिकेटर के लिए भी कोई एज नहीं। और हमारी कंट्री में आपके सामने एग्जांपल्स हैं यासिर शाह, जाहिद महमूद, तो आप उसको एक तरह से कितना उस क्रिटिसिज्म को आप सीरियस लेते हैं और आप उसको कैसे फेस करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 25 पे करियर असल में तो स्टार्ट होता है। बिल्कुल, बेसिकली असल में ना बात यह है कि आप किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, लाइक आप परफॉर्मेंस देते भी जाओगे ना, आपको ये, क्योंकि मैंने अपना माइंडसेट ऐसा बनाया हुआ है कि मैं सबको देखता हूँ, सबको फॉलो करता हूँ, फिर जितने भी सुपरस्टार्स हैं तो ऑब्वियसली वो सुपरस्टार्स ऐसे लाइक मसलन घर से उठ के सुपरस्टार नहीं बने हैं, वो उनके पीछे बहुत हार्ड वर्क है और उनके पीछे बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ हुआ है, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये जिमी एंडरसन भी आ जाए ना तो वो भी एक दो तीन मैच फ्लॉप हो जाए ना तो उसको भी लोग क्रिटिसाइज करेंगे, तो ये एक पॉजिटिव लेना चाहिए, कोई नहीं। ये है कि मैंने मुझे पता है कि मेरी, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि मैं किस हालात से मैं क्रिकेट खेला हूँ, लाइक इंजरी के बाद जब डॉक्टर्स मुझे कह रहे थे कि आप क्रिकेट ही नहीं खेल सकते हैं, और मैंने उसके बाद खेला, मैं अपनी अपने ऑपरेट के बाद तकरीबन 2 साल तो मैं अपना काफ रेज नहीं था कर सकता, एक एक लेफ्ट लेग पे खड़ा ही नहीं था हो सकता, तो उसके बावजूद तो मैं 2 साल, तो 2 से 3 साल लिंप करता रहा हूँ मैं, तो लोग मुझे कहते थे कि तुम लिंपिंग करते हो कैसे अब, लेकिन अब मैं स्ट्रांग हो गया हूँ, ठीक हो गया हूँ, और मैंने वो मेहनत की है, मेरी बॉलिंग टोटली डिफरेंट हो गई है, और मैं जो चाहता था उस तरीके की मेरी दोबारा बॉलिंग होगी, लाइक मैंने अपने रॉन्ग ऑन पे बहुत काम किया, अपने फ्लिपर पे बहुत काम किया है, जो कि इस आजकल के क्रिकेट के लिए जरूरी है, T20 स्पेशली, तो सब चीजों को जेन में रख के जो आजकल के क्रिकेट की रिक्वायर्ड है वो मैंने इसको पूरा किया, उसको उस पर मेहनत कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह देखेंगे KPL में आपको नजर आएगा कि डिफरेंट लेग स्पिनर आया और डिफरेंट अप्रोच के साथ, वेरिएशन के साथ, और नजर आएगा इंशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह। सामा भाई एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं, तो आपने शॉर्ट से आंसर्स देने होंगे इसके, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा आपकी मोस्ट मेमोरेबल बॉलिंग परफॉर्मेंस कौन सी है। अगेन शाहिद अफरीदी लास्ट ओवर पेशावर में, PSL में शारजाह में है, बेस्ट फ्रेंड इन क्रिकेट। लॉट्स ऑफ नुमान अनवर, नैयर अब्बास, बिलावल भट्टी, चलिए क्या आपके लिए मतलब बेस्ट पर्सन टू टॉक क्रिकेट विद, जिसके साथ आपको बात करके बहुत मजा आता हो। इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं, लाइक शुएब मलिक सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद नैयर अब्बास है, मैं उसके साथ बड़ा मजा आता है बात करने का, फिर ये कॉलिन इंग्राम एंड रवि पपारा, इनसे मैंने बहुत सीखा है क्रिकेट के बारे में। जैसे PSL में आपने बहुत अच्छे बैट्समैन को बॉल भी किया, आप CPL भी खेल चुके हैं, तो मोस्ट डिफिकल्ट बैट्समैन यू बॉल टू? कामरान अकमल। कामरान अकमल। मोस्ट मेमोरेबल विकेट? केविन पीटरसन PSL। इन PSL या बिगेस्ट क्रिकेटिंग ड्रीम, मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए खेलना, लेकिन रेड बॉल खेलना, व्हाइट बॉल खेलना, इसका मतलब टेस्ट क्रिकेट खेलना। सो बेसिकली ये है कि जो बिगेस्ट ड्रीम ये है ना कि मैं पाकिस्तान के लिए कोई भी क्रिकेट खेलूं, एक टॉप लेवल पे खेलूं, लाइक ऐसे नहीं खेलूं कि बस आया और टीम से आया और टीम से बाहर हो गया, और ऐसा खेलूं कि मतलब अपने परफॉर्मेंस से दूसरी दुनिया का, दूसरी पूरी दुनिया में नाम बनाऊं, कि पता लगे कि उसामा मीर पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, और इस तरीके से बात करे लाइक जैसे लोग बाबर आजम के बारे में बात करते हैं, इस टाइप की मैं ये ड्रीम है, इस टाइप का हो या ऐसी परफॉर्मेंसेस हो कि पूरी दुनिया में नाम हो, वो हो टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो, वनडे हो, बट अगर पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करना हो, उनके लिए पाकिस्तान के लिए बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंसेस देना, इंशाल्लाह सामा भाई आपकी ड्रीम जरूर पूरी हो, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी इंशाल्लाह क्रिकेटर खेलता इंशाल्लाह। है वो यही चाहता है कि वो पाकिस्तान के लिए इवेंचुअली रिप्रेजेंट करे पाकिस्तान को। तो बिल्कुल सामा भाई बिल्कुल थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया,
केपीएल के लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक, अभी आप डोमेस्टिक सीजन खेल रहे हैं इंग्लैंड में ऑफ सीजन, तो उसके लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह यही थैंक यू सो मच केपीएल में एक डिफरेंट उसामा मीर नजर आएंगे विद बैट एंड इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह और इंशाल्लाह 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 वो आपका एक पाथवे बनेगा पाकिस्तान टीम में वापस आने के लिए इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच उसामा भाई थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच